अस्सलाम वालेकुम, किद्दां तुसीं? वधिया, उम्मीद कर दिया सब खैरियत होणगे। अज बना रहे चिकन करेला रेसिपी। और करेला चिकन बनाओगे तो तुसीं बनांदे होंगे अक्सर, तुहाडे कोल मसाला वगैरह नहीं हुंदा, बिल्कुल खुश्क हो जांदा वा। और बहुत ही आसान तरीका तुहानूं दस्सांगे, मसाला ग्रेवी वी बनावांगे और किद्दां बनानी आ, बहुत ही आसान रेसिपी आ। अच्छा, चिकन नूं पहलां मैं फ्राई करूँगी। चिकन नूं अच्छी तरह फ्राई कर लेना, बहुत ही खूबसूरत चिकन का कलर लेके आना, बहुत ही प्यारा जहा और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आ। करेले तो वैसे भी खाने चाहिए है, सेहत लिए भी अच्छे होंगे और ब्लड प्रेशर आ जिन्हों और बहुत ही फायदेमंद आ, जिन्होंने शुगर आदि लिए भी बहुत फायदेमंद आ। करेले सर्दियाँ आ गया वा, करेले तो बहुत ही मज़ेदार लगेगी। चिकन हो गया फ्राई, चिकन तो फ्राई हो चुका वा। अगर मेरे चैनल पर नवे तो सबसक्राइब कर दियो। करेलियां नूं अच्छी तरह धो लिया, नमक लगा के मैं धो लिया और इहदा पानी खुश कर लिया वा, अच्छी तरह मैं निचोड़ लिया सीगा और इहनूं फ्राई करांगे। और इहदी जिहड़ी बरूरी है ना, जिहड़े मैं करेले छिलके रखे सीगे, आ देख लो, ये बहुत ही काम दी चीज़ है, तुसीं ज़ाया नहीं करनी। और इहदा की करना वा, मैं तुहाडे नाल शेयर जरूर करूँगी। अच्छा, अच्छी तरह फ्राई करना, बहुत ही प्यारा कलर लेके आना वा, आ देख लो, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो चुके हैं। इदा दे तुसी फ्राई कर लेने, इन्नी ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करने और ना ही इन्ने ज़्यादा कच्चे कच्चे रखने, बल्कि सही तरीके ना तुसी फ्राई करने। आ देखो, बहुत ही प्यारा कलर आ चुका वा, आ देखो माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा, करेले तो हो चुके हैं फ्राई और जड़ी बरूरी सी करेलिया दी, वह भी मैं हल्का या फ्राई करूँगी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके ना, और इदा बहुत ही मज़ेदार टेस्ट होंदा वा। अच्छा, नानियाँ दादियाँ जड़िया होंदिया सी ना, और बहुत ही ज़बरदस्त खाना बनाते हैं करेलिया की बरूरी और करेलिया के बीज, ये भी कुट के ना इदा बहुत ही ज़बरदस्त मसाला बन बनाते होंगे सके। हाँ देखो, अच्छी तरह फ्राई हो गया अभी। और अच्छा, हूँ मैं प्याज ले सी, करेलिया के प्याज ज़्यादा इस्तेमाल होंगे और अच्छी तरह इन्ने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करने, प्याज का सिर्फ थोड़ा जहाँ पानी खुश्क होएगा। फिर मैं तुम्हें एक टिप्स दसूँगी, बहुत ही ज़बरदस्त करेलिया का मसाला बना सकते हैं बहुत ही मज़ेदार तरीके ना। अच्छा, हाँ देख लो, पानी यदा खुश्क हो गया प्याज का, और प्याज मैं थोड़े जे निकाल लेने, ठीक है, एक किलो इस्तेमाल करने हैं। मैं तुम्हें वीडियो में पूरा देखना वा, वरना तुम्हें किसी चीज़ की समझ नहीं आनी। अच्छा, ये मैं दो चम्मच पा रही हूँ लहसुन, लहसुन इस्तेमाल करांगे ज़्यादा दो चम्मच, क्योंकि आप ये पा रहे हैं चिकन, चिकन की स्मेल ख़त्म करने नहीं, लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा चाहिए वा। अच्छा, ये मैं पा रही हूँ दो टमाटर, टमाटर ले सके और बहुत ही अच्छी तरह यदा पेस्ट बनाना वा। और अगर तुम मेरे चैनल पर नवे तो जल्दी ना जाके सबसक्राइब कर दो और नाल ही बैल आइकन का बटन प्रेस कर दियो, ताकि तुम्हें हर आने वाली वीडियो मिल सके। इस मैं लाल मिर्चा पाई वा, लाल मिर्च मैं डेढ़ चम्मच पाई है और हाफ चम्मच हल्दी पाई है, नमक इस्तेमाल करूँगी हसबे ज़रूरत। चिकन करेला तो बहुत ही ज़बरदस्त बनता वा और बहुत ही मज़ेदार तरीके ना, अगर तुम ये मसाला वगैरह हो, ग्रेवी होगी ना, बहुत मज़ेदार लगता है। ज़्यादातर यदि मसाले की ग्रेवी नहीं बनती और खुश्क हो जाता है, यदा मैं तुम्हें रीज़न भी दसी जाऊँगी नाल, और मेरे चैनल में तुम सपोर्ट भी करना वा, मैंने सबसक्राइब कर दियो और नाल ही बैल आइकन का बटन प्रेस कर दियो, ताकि तुम्हें हर आने वाली वीडियो मिल सके। और ये मैं पा रही हूँ साबत हरिया मिर्चा, बहुत ही मज़ेदार लगती है वा। और थोड़ा जहाँ ये मैं पानी पाऊँगी ताकि चिकन गल जाए अच्छी तरह, और अच्छी तरह यदि स्मैल जी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। 5 मिनट वास्ते मैं कवर कर दी हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह ते बरकता, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। चिकन करेले तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, मेरे तो बहुत फेवरेट है, तुहानू भी पसंद हो गए तो मैंने कमेंट करके लाजमी दसीए। ये मैं पा रही हूँ अदरक का 1 चम्मच, चिकन की अच्छी तरह बुनाई हो चुकी है, चिकन रेडी हो गया वा। हूँ ये मैं पा रही हूँ करेले, करेले पाऊँगी और ये जी बरूरी मैं सी फ्राई करके रखी वो भी ये ऐड करूँगी और अच्छी तरह भुन हो जाएगी और बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी। यदा बहुत अच्छा टेस्ट आता वा, जरा तुम ज़ाया कर दें, बिल्कुल ज़ाया ना करो। और ये मसाला बहुत ज़बरदस्त बनता वा, और जेडे मैं प्याज निकाल के रखे वो भी मैं तुम्हें शेयर करूँगी मैं की करना वा, ठीक है ना। 5 मिनट वास्ते मैं कवर कर दिता सी ताकि करेले अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। हूँ जो मैं प्याज निकाल के रखे से वह मैं हूँ की करांगी, ये मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है ना। प्याज नू मैं ये ऐड कर देना और बहुत ही ज़बरदस्त यदा मसाला रेडी हो जाना वा। और ये मैं पा रही हूँ सुखा धनिया, ठीक है ना, तुम इनू अच्छी तरह भुन लेना, सिर्फ इनू तुम 5 मिनट कवर कर देना ताकि जरा यदा मसाला वगैरह अच्छी तरह बनाई भी हो जाएगी और अच्छी तरह कवर कर देना वा, बहुत ही मज़े की खुशबू भी आएगी, ठीक है ना। 5 मिनट कवर कर देना वा। अच्छा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह दी बरकत, माशाल्लाह देख लो ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। ये अंदर प्याज का मसाला भी आ, प्याज वगैरह भी आ, और करेले बहुत ही मज़ेदार चिकन करेले तो बहुत ही ज़बरदस्त आ, देखो रेडी हो चुकी वा। उम्मीद है तुम्हें भी पसंद आएगा, मेरे चैनल में सबसक्राइब कर दो और नाल ही बैल आइकन का बटन प्रेस कर दियो, ताकि तुम्हें हर आने वाली वीडियो मिल सके।
प्याज एंड तो पाने का यही फायदा इहदे अंदर मसाला होएगा और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आएगी, बहुत ज़बरदस्त लगता वा। ट्राई करके जरूर देखियो और अपने प्यारे ते मेरी रेसिपी नू शेयर भी कर दिया करो। उम्मीद है तुहानू भी पसंद आएगी। मैनू कमेंट करके लाजमी दस्सियो। असी फिर मिलांगे नवे चस्के दे नाल, नवी रेसिपी दे नाल। ओके, अल्लाह हाफिज़।